इस हंसते चेहरे से किसी को क्या शिकवा हो सकता है, पर एक झटके में ये पूरा परिवार दुश्मनों के हाथों शहीद हो गया। मणिपुर की धरती सालों बाद मिलिटेंट्स की साजिश का गवाह बना और आसाम राइफल्स के 46 बटालियन के वीर सपूत कर्नल विप्लव त्रिपाठी शहीद हो गए। मणिपुर म्यांमार बॉर्डर पर चूराचांदपुर के पास मिलिटेंट्स ने आईईडी ब्लास्ट कर कमांडिंग अफसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी के कॉन्वॉय पर घातक हमला कर दिया। आतंकियों को कर्नल के परिवार के साथ मूवमेंट की जानकारी थी। इस हमले में कर्नल विप्लव के साथ उनकी पत्नी, 8 साल का बेटा और क्विक रिस्पांस टीम के 4 जवान शहीद हो गए। कर्नल विप्लव छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के थे और आसाम राइफल्स में देश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की रक्षा कर रहे थे, जब देश की खातिर उनकी शहादत सामने आई। मणिपुर में 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले के बाद ये पहली बार इस तरह का कायराना हमला है, पर ये उसी आशंका के सच होने जैसा है जो हमने म्यांमार में तख्ता पलट के वक्त कही थी। ये डर था कि अब म्यांमार के रास्ते अलगाववादी फिर से नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, पर देश अपने वीर सपूत की कुर्बानी भूलेगा नहीं। जाबाज विप्लव त्रिपाठी और उनके परिवार के साथ सभी शहीदों को श्रद्धांजलि और उन दुश्मनों को चेतावनी कि 2015 में जिस तरह हमने अपने जवानों की शहादत का बदला लिया था, इस बार भी देश ऐसा ही चाहता है। भारत के इस लाल को सलाम। Thank you.